छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 मई को होना है। आज देर शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। चुनाव के पहले कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पीसीसी चीफ का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ है वो सब कांग्रेस के पक्ष में गया है और आने वाली 7 सीटों पर जनता भाजपा के खिलाफ वोट करेगी। इस दौरान दीपक बैज ने मतदाताओं से अपील कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारे छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के लिए बरसों मतदान होना है। 2 चरणों में लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हो चुका है। पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मतदाताओं का रुझान साफ दिख रहा है। 3 चरणों के मतदान के रुझान के बाद मोदी और भाजपा घबरा गए हैं। उनके भाषणों का रुख बदल गया है। वे अपनी 10 साल की कोई भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। चुनाव को हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मछली मटन मीट तक ले जाने की तमाम कोशिशें मोदी और उनके साथियों ने किया। इस चुनाव में भाजपा का हिडन एजेंडा संविधान को बदलने और आरक्षण को समाप्त करने का बेनकाब हुआ। जनता यह समझ गई कि संविधान बदलने के लिए भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। लोग यह भी जान गए कि यह संविधान इसलिए बदलना चाह रही है कि बाबा साहब ने वंचित वर्गों के लिए जो प्रावधान संविधान में किया है वह संविधान बदलकर समाप्त किया जा सके, लेकिन भाजपा की यह बदनीयती खुलकर जनता के सामने आ गई है। इस चुनाव के प्रचार को कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक के साथ किया। हमने अपने न्याय पत्र को जनता के सामने रखा। यही कारण है कि देश भर में जनता बदलाव के लिए मतदान कर रही है।